how I know. I smiled at them and said, she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, she told me so. So फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल फिट व्लॉग्स में। बहुत अच्छा लग रहा है, इस वीक में दूसरी वीडियो आ रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि लाइक मैं नेक्स्ट आने वाले वीक्स में और अच्छी वीडियोस बना सकूं और क्वालिटी वाली वीडियोस बना सकूं। और आप लोग से सपोर्ट तो मुझे ऑलरेडी मिल ही रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपका बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे, जो मैंने लोअर बैक के ऊपर डाली थी एक्सरसाइज की वीडियोज़। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर या यहाँ पर इधर ऊपर या फिर इधर आई बटन आ रहा होगा, तो आप उस आई बटन को क्लिक कर सकते हैं एंड वो वीडियो जाके देख सकते हैं। सो उसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करी थी लोअर बैक के लिए। जो भी ऑफिस गोयर्स हैं या फिर जो ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है वो वीडियो। वो कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, वो आप कर सकते हैं घर पे। मीन्स दैट इज़ कोई इक्विपमेंट नहीं लगाया है उसमें, लाइक यू ओनली हैव टू हैव योगा मैट, दैट्स ऑल। उसमें आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं आने वाली वीडियोस में एब्स के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के ऊपर एक्सरसाइज की वीडियोस डालूंगा। तो उसकी सीरीज़ अब शुरू हो चुकी है एंड ये वाली वीडियो जो है दैट इज़ इसका प्राइमरीली फोकस है एब्स के ऊपर। अब आप लोग सोचोगे कि यार भाई एब्स की बात तो वो करें ना जिसके एब्स ऑलरेडी हो, भाई हम मेरे तो है नहीं ऐप्स। अब आप लोग तो जानते हैं ऑलरेडी ये चीज़। अब आप लोग सोचोगे कि भाई इसके तो ऐप्स है नहीं, ये बड़ा ऐप्स की एक्सरसाइज बता रहा है। पर यार ऐप्स की एक्सरसाइज बताना इट्स नॉट अ बैड थिंग, लाइक आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि भाई जो जिसके ऐप्स हैं वही उसी को बताना चाहिए कि भाई ऐप्स की एक्सरसाइज कैसे की जाए या फिर क्या किया जाए। आपको लर्न करने का मन होता है तो आप कहीं से भी लर्न कर लेते हो। मीन्स यू डोंट हैव टू फाइंड अ रीज़न दैट नहीं यार इसके 8 पैक्स हैं, इसी से सीखेंगे। तुम सीख किसी से भी सकते हो। दैट लर्निंग एटीट्यूड शुड बी देयर इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस एंड आई एम पुटिंग इट इन माई वीडियोज़ एंड आई एम गेसिंग के पीपल विल लाइक इट एंड अप्रिशिएट इट। अभी तक का काम लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। आई हैव गॉट मैनी great comments regarding my work that you're doing very great and you can do very good in this field as well. अपने काम के साथ साथ ये भी चीज़ कर रहे हो, that is very good. Coming back to the topic, आज की जो वीडियो है वो एप्स के ऊपर है। मीन्स आप कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं घर पे रह के। मोस्टली बेनिफिट्स सारी एक्सरसाइजेस का एक ही है, that is to reduce your belly fat, that is to concentrate on your stomach area, basically your kitchen area. तो वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के बाद उस एक्सरसाइज का नाम बताऊंगा कि वो एक्सरसाइज का क्या नाम है एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो पहली एक्सरसाइज का नाम है 30 सेकेंड्स हॉलो बॉडी होल्ड। हैंड्स और आपके लेग्स दोनों को काफ़ी कोऑर्डिनेट करने का एंड डायरेक्टली आपके एब्स एरिया में फोकस करने का। एंड टोटल आपको इसको 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। आप बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो दूसरी एक्सरसाइज का नाम है ईच साइड एब सर्कल। इसमें आपको इस तरीके से अपने लेग्स को लिफ्ट करना है दैट इट शुड फॉर्म अ 45 डिग्री एंगल, नॉट पर्टिकुलरली 45 डिग्री, इट कुड बी 50 ऑल्सो, इट कुड बी 40 डिग्री ऑल्सो। एंड आपको इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों साइड मूवमेंट करनी है। 10 बार रोटेट करना है फ्रॉम फॉर वन साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 10 बार रोटेट करना है ऑन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो गाइस तीसरी एक्सरसाइज का नाम है हाई प्लैंक नी टू 3 पॉइंट आर्म टच। अब इसका नाम तो काफ़ी लंबा है बट मैं आपको इसको बाइफरकेट करके बताता हूँ। हाई प्लैंक नी मीन्स आपको अपनी प्लैंक पोजीशन पे आना है एंड यू हैव टू लिफ्ट योर नीज एंड आपको इस तरीके से फॉर्म करना है सो दैट इट शुड बी लाइक 3 पॉइंट टच आर्म टच। लाइक फर्स्ट पॉइंट विल बी डाउन सबसे नीचे, देन इट विल बी लिटिल ऑन द राइट हैंड साइड, देन इट विल टच योर स्टमक है। सो इस तरीके से आपको करना है। वीडियो में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सो दैट इज अवर एक्सरसाइज। सो बढ़ते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज रशियन ट्विस्ट। अब इसका नाम है रशियन ट्विस्ट। अब किसी रशियन बंदे ने करा होगा इन्वेंट ये वाला टाइप का ट्विस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक चीज़ आपको लोगों को बताना भूल गया मैं, जो रशियन ट्विस्ट हैं वो आपको 25 ईच साइड्स करने हैं, लाइक 25 द राइट साइड। अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है हाई कंप्रेशन लेग लिफ्ट्स। अब ये बेसिकली लेग एज वेल एज आपके स्टमक एरिया और लोअर एब्डोमेन एरिया को फोकस करता है। जैसे कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है, दिस यू हैव टू फोकस। लाइक आप लिफ्टिंग के टाइम पे आपका पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन आपके लेग की तरफ होना चाहिए सो दैट आप उसको लिफ्ट करते टाइम इक्वल प्रोपोर्शन में लिफ्ट कर सकें। गाइस बढ़ते हैं अपनी सिक्स्थ एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है ट्विस्ट जंप साइड टू साइड। बेसिकली आपके लोअर एब्डोमेन और आपके ट्विस्टिंग की वजह से जितना भी बेली फैट है वो रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड आपको इसमें बेसिकली बैलेंसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके आप टोटल 10 रेप्स कर सकते हैं ऑन ईच साइड। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी सेवेंथ एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है हैंड टू टो टच। अब बेसिकली ये आपको परफॉर्म करनी है योगा मैट पे एज यूजुअल, जैसे आपने पिछली 6 एक्सरसाइज करी हैं सेम टू सेम ये सेम योगा मैट पे आपको इसको परफॉर्म करना है एंड इसमें आपको अल्टरनेटिवली काम करना है। अगर आप अपना राइट हैंड को लिफ्ट कर रहे हैं तो अपने लेफ्ट पैर को आपको रेज करना है एंड यू हैव टू टच द टो। सिमिलरली आपको अगर लेफ्ट हैंड अगर आप अपना रेज कर रहे हैं तो आपको अपने राइट टो को टच करना है उससे। ऐसे ही आपको टोटल 10 रेप्स करने हैं इस एक्सरसाइज के, देन ओनली इट विल बी बेनिफिशियल। सो गाइस बढ़ते हैं अपनी 8th और फाइनल एक्सरसाइज की तरफ जिसका नाम है प्लैंक्स। अब प्लैंक्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। कुछ लोग प्लैंक में अपना बम को उठा देते हैं, कुछ लोग प्लैंक में अपने बम को नीचे कर देते हैं। बेसिकली आपको पैरेलल रखना होता है अपने ग्राउंड से। जिस ग्राउंड लेवल पे आप प्लैंक कर रहे हैं उसके आपको पैरेलल रखना ज़रूरी है। पीपल कैन डू मिनिमम लाइक दे कैन डू मिनिमम तो मिनिमम 10 सेकेंड्स कर सकते हैं लोग। मैक्सिमम इट कैन गो अप टू लाइक 5 मिनट्स 7 मिनट्स। इसके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं बेसिकली। talking about myself, I can do about near to 2 minutes and 30 seconds तक मैंने एक बार किया था एंड मेरा मैक्सिमम रहा है 3 minutes 30 seconds तक का मेरा मैक्सिमम रहा है। सो इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, एनीबडी कैन डू। जो भी आपका बेली फैट है दैट विल बी रिड्यूस्ड 100% अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हैं। एंड ट्राई कीजिए जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको आज बताई है, हो सके तो मॉर्निंग में करें या फिर आप इवनिंग ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी एंड आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी अंटिल नाउ एंड आगे भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, आई नो दैट। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं जो भी परफॉर्म करूँगा दैट आई विल सून शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। सो आप लोगों ने अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। वीडियो के एंडिंग में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा ट्विटर हैंडल और मेरा फेसबुक हैंडल भी आप लोगों को मिल जाएगा। सो यू कैन गो देयर एंड चेक आउट दिस ऑल सेट ऑफ एक्सरसाइज, एवरीथिंग आई हैव अपलोडेड देयर। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई ट्रैवल वीडियो डालूँ। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो बेसिकली एक ट्रैवल वीडियो होगी जो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, अभी एडिटिंग चल रही है उसकी एंड विल गेट बैक टू यू लाइक वेरी सून। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ फैलाइए। जय हिंद।